Students, welcome back. So today in this video we are going to cover the Oscar winners, and the first Oscar winners, as I told you in the earlier part, that I will give you the names of the Oscar winner, the first time jinhone jeeta tha, and first time award winners, Indian and foreigners. Okay, so let's get started with the video. So as you know ki jo awards diye jaate hain Oscars, ye jo hain मूवीज वगैरह के लिए दिए जाते हैं. सेकंड थिंग, द फर्स्ट टाइम दिए गए थे ये 1929 में दिए गए थे. ओके, अब तक जो है ये 3140 अवार्ड दिए जा चुके हैं. मई 1629 में सबसे पहले जो है ये अवार्ड सेरेमनी हेल्ड हुई थी. अब जो सेरेमनी हुई है 2020 फरवरी 9, तो वो हुई है आपकी 92nd एकेडमी अवार्ड सेरेमनी. ओके, स्टार्टेड विद आवर वीडियो नाउ, और देखते हैं किस किस को अवार्ड मिले थे. ठीक है, तो पहली कैटेगरी है आपकी बेस्ट आउटस्टैंडिंग पिक्चर. बेस्ट आउटस्टैंडिंग पिक्चर की जो थी आपकी, इसके लिए मिला था विंग्स को, मिला था ये. और इसमें किसको डायरेक्ट की थी विंग्स ने, पैरामाउंट फेमस लास्की प्रोडक्शंस ने जो है इसको डायरेक्ट किया था. ठीक है, इस प्रोडक्शन हाउस में बनी थी. विंग्स के लिए मिला था बेस्ट आउटस्टैंडिंग पिक्चर का अवार्ड. ठीक है, फिर बाकी जो नॉमिनेशंस में थे वो थी मूवी सर्कस, द रैकेट, सेवंथ हेवन, और ये थे इसके प्रोडक्शन कंपनीज. ओके, नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज बेस्ट यूनिक एंड आर्टिस्टिक पिक्चर. ये मिला था आपका टू अरेबियन नाइट्स के लिए, लुइस माइलस्टोन को. राइट, फिर जो नॉमिनेशंस में थे ये देखिए, यहाँ पर जहाँ जहाँ स्टार्स लिखा हुआ है, स्टार से डिनोट किया हुआ, मतलब ये विनर्स थे और ये थे नॉमिनेशंस में. ठीक है, द सर्कस नॉमिनेशन में थी, उसके लिए चार्ली चैपलिन थे इसके नॉमिनी. देन स्पीडी मूवी, टेड वाइल्डी, ये थे नॉमिनेशंस में. ओके, बट जीता जिन्होंने, जो विनर थे वो थे टू अरेबियन नाइट्स, लुइस माइलस्टोन जो थे. ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था फर्स्ट टाइम? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था एमिल जेनिंग्स को. किसके लिए? द लास्ट कमांड के लिए. द मूवी थी लास्ट कमांड, और इन्होंने किसका रोल निभाया था? एज जनरल डॉल्गो रुकी. ओके, जनरल डूक सर्गियस अलेक्सेंडर का इन्होंने रोल इसमें निभाया था. और दूसरी मूवी थी ऑल द वे ऑफ ऑल फ्लैश. ठीक है, इन्होंने किस चीज का इन्होंने रोल निभाया था इसमें? ऑगस्ट शिलिंग का. एमिल जेनिंग्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था फर्स्ट टाइम, ऑस्कर विनर. ठीक है, फर्स्ट टाइम बेस्ट राइटिंग ओरिजिनल स्टोरी का अवार्ड मिला था अंडरवर्ल्ड के लिए, बेन हैचेट को. ओके, इन्होंने स्टोरी राइट की थी इसकी अंडरवर्ल्ड की. देन बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के लिए फर्स्ट टाइम ऑस्कर मिला था विलियम कैमरॉन मेंजीज को. एक तो डव के लिए, मूवी डव, एंड एक मिला था टेम्पेस्ट के लिए. बेस्ट आर्ट डायरेक्शन इन्होंने कहाँ पर दी थी? द डव में एंड टेम्पेस्ट में. चलिए आगे चलते. बेस्ट इंजीनियरिंग इफेक्ट्स, बेस्ट इंजीनियरिंग इफेक्ट्स का जो अवार्ड मिला था वो था रॉय पॉमरॉय को. और किसके लिए? मूवी थी विंग्स, द मूवी वॉज विंग्स, एंड इनको मिला था रॉय पॉमरॉय. अब आते हैं नीचे, द बेस्ट यूनिक एंड आर्टिस्टिक पिक्चर का अवार्ड किसको मिला था? बेस्ट यूनिक एंड आर्टिस्टिक पिक्चर का अवार्ड मिला था फॉक्स को, एंड द मूवी वॉज सनराइज, फॉर सनराइज. बेस्ट डायरेक्टिंग ड्रामेटिक पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर ड्रामेटिक पिक्चर का अवार्ड मिला था आपका फ्रैंक बोर्जागे को, फ्रेंस बोर्जागे, एंड फॉर सेवंथ हेवन. नाउ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था जेनेट हेनर को, फॉर द मूवी सेवंथ हेवन. इन्होंने डायना का रोल किया था इसमें. फॉर द मूवी स्ट्रेट एंजल, इन्होंने इसमें एंजला का रोल किया था. फॉर द मूवी सनराइज, एज अ वाइफ. ठीक है, एज अ वाइफ इन्होंने जो है रोल निभाया था अपना. चलिए, बेस्ट राइटिंग का अवार्ड किसको मिला था? बेस्ट राइटिंग एडेप्शन. ठीक है, द अवार्ड विनर वॉज बेंजामिन ग्लेजर फॉर सेवंथ हेवन, बेंजामिन ग्लेजर फॉर सेवंथ हेवन. एंड बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड मिला था चार्ल्स रॉजर एंड कार्ल स्ट्रॉस को, मूवी सनराइज के लिए. ठीक है, चार्ल्स रॉजर एंड कार्ल स्ट्रॉस फॉर द मूवी सनराइज. बेस्ट टाइटल राइटिंग, बेस्ट राइटिंग में जो टाइटल राइटिंग का अवार्ड था वो मिला था फॉर जोसेफ फरनहाम को. ऐसी कोई स्पेसिफिक फिल्म नहीं थी, पर इन्होंने काफी अच्छे टाइटल सीखे, तो इस वजह से इनको जो है ये अवार्ड दिया गया था. चलिए अब आते हैं हम जो इंडियंस ने, किस इंडियन ने फर्स्ट टाइम जो है अवार्ड विनर था, कौन था ऑस्कर विनिंग. तो आज की आपको पता है 1929 में जो है ये अवार्ड देने शुरू किए गए थे, ये सेरेमनीज हुई थी ऑस्कर अवार्ड्स वाली. तो जो सबसे पहली बार जो इंडिया से नॉमिनेशन हुआ था
मैं आपको बता दूं, ज्यादा कुछ आपको याद करने की इसमें जरूरत नहीं है, ये पूरी मैंने लिस्ट आपको दी हुई है जिसमें आपके सारे नॉमिनेशंस हैं। ओके, अब जो इसमें नॉमिनेशंस हैं सारे के सारे, आपको क्या देखना है इसमें, फर्स्ट टाइम जो नॉमिनेट हुई थी वो थी मदर इंडिया फिल्म, ठीक है, मदर इंडिया फिल्म थी, और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की इनको कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। एंड द एक्ट्रेस वॉज महबूबा खान, महबूबा खान को नॉमिनेट किया गया था 1958 में। ओके, तो मदर इंडिया की जो पहली मूवी जो ऑस्कर के नॉमिनेशन में गई थी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए। चलिए अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं। पर इनको कोई अवार्ड मिला नहीं था, ठीक है, ऑस्कर्स में जरूर नॉमिनेशन में गई थी, अवार्ड नहीं मिला था। फिर जो नॉमिनेशन हुई थी आपकी वो 1961 में, ये जो 33rd एकेडमिक अवार्ड थे इसके लिए आपके इस्माइल मर्चेंट को नॉमिनेट किया गया था, बेस्ट शॉर्ट सब्जेक्ट एक था, ठीक है, मूवी थी द क्रिएशन ऑफ वुमेन नाम था उसका, नॉमिनेशन था बट इनको मिला नहीं था। देन के कपिल, देन भानु अथैया, बट अब मैं आपको बताऊं, द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर, द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर वो थी भानु अथैया, शी वॉज अ लेडी, एंड इनको 1983 में 55th जो आपका एकेडमिक अवार्ड्स हुए थे, 55th एकेडमिक अवार्ड्स में 1983 में हुए थे, भानु अथैया नॉमिनेटेड थी फॉर द मूवी गांधी। एंड इसको इनको किन कैटेगरी में मिला था, फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, शी वॉज द फर्स्ट ऑस्कर विनर। ओके, द फर्स्ट ऑस्कर विनर थी आपकी भानु अथैया, फीमेल, 55th जो आपके थे ये अवार्ड, एंड 1983 में हुए थे, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको मिला था। उसी टाइम में रविशंकर भी नॉमिनेटेड थे बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए कैटेगरी में, गांधी मूवी थी पर उनको नॉमिनेट किया गया था पर वो विनर नहीं थे, भानु अथैया वॉज दी विनर। ओके, ये सारे नीचे जो है आपके नॉमिनेशंस हैं, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इसमें। देन आपका एक और बार जो अवार्ड्स मिले हैं इंडिया को वो मिले हैं 2009 में, 2009 में आपको पता ही होगा स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी आई होगी, बहुत ही फेमस मूवी थी ये। यहाँ पर 2009 में आपके 81st एकेडमिक अवार्ड्स, 81st एकेडमिक अवार्ड्स हुए थे, ठीक है, 81st एकेडमिक अवार्ड्स थे। इसमें आपकी मूवी थी स्लम डॉग मिलेनियर, मूवी में ही इसमें तीन कैटेगरीज थी आपकी, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, आई होप राइटिंग आपको समझ आ जाए, मैं कोशिश करती हूँ जितना मुझे अच्छा लिखा जाए मैं लिख दूँ। देखिए बेस्ट, आप नोटबुक में जरूर इसको एक जगह कॉलम बना के लिख लीजिएगा, साउंड मिक्सिंग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए अवार्ड जो गया था वो गया था आपका रसूल पोकुटी, रसूल पोकुटी को, द स्पेलिंग इज RESUL, रसूल, POKUTTY, रसूल पॉकेटी को मिला था, ठीक है। एंड द नेक्स्ट जो आपका इसमें वो था कैटेगरी थी वो थी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, एंड द विनर वॉज ए आर रहमान, ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए स्लम डॉग मिलेनियर मूवी थी, ए आर रहमान को मिला था, ए आर रहमान। देन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग आपका जो था, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में ही स्लम डॉग मिलेनियर के लिए गुलजार साहब को भी मिला था, ये ए आर रहमान जी एंड गुलजार साहब, ठीक है, गुलजार। चलिए ये थे आपके जो इम्पोर्टेंट था इसमें नॉमिनेशंस में, आपका जो ऑस्कर विनर्स थे वो थे ये सब इंडिया के, जो फर्स्ट थी वो भानु अथैया थी, 2019 में ए आर रहमान जी को मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, और गुलजार साहब को मिला था, स्लम डॉग मिलीनियर मूवी थी, और बेस्ट साउंड मिक्सिंग में ये मिला था रसूल पोकुटी को, ठीक है, 81st एकेडमी अवार्ड थे। चलिए ये थी आज की वीडियो, छोटी सी शॉर्ट, जरूर इसको कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप बार बार रिवाइज कर सकें इनको। एंड आगे मैं और वीडियोस लेके आऊंगी, जितने भी ऑस्कर बाकी बचेंगे वो मैं धीरे धीरे आपको करा दूंगी, जो भी मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट है। चलो टेक केयर।